चुनाव 2024 को लेकर पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होनी है, जिसके चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। पांचवें चरण के तहत सोमवार 20 मई को 49 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद के समर्थन में पंचायती राज मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोड शो किया, जो कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब से प्रारंभ होकर बाबा गरीबनाथ मंदिर, सरैयागंज टावर, सोनार पट्टी होते हुए कल्याणी चौक पर समाप्त हो गया। रोड शो के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को संभालने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, पर भीड़ की अधिकता से व्यवस्था चरमरा गई। हजारों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता भाजपा नेत्री के साथ साथ अपार जन समर्थन देखने को मिला, जो हाथों में बीजेपी का झंडा थामे जमकर नारे लगा रहे थे। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पूरा शहर भगवा मैं हो गया। पिछली बार बिहार में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए को मिलनी तय है। प्रदेश मंत्री राजेश वर्मा ने कहा कि अपार जन समर्थन अपने आप में साबित करता है कि सोमवार को पूरा शहर एनडीए को एक तरफा वोट करने जा रहा है। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ। अरे यहाँ तो ऑटो फायर का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ, ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फायर का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।